ये शिवराज जी की सरकार ने काम तो कुछ नहीं करी है, बदनाम बहुत ज़्यादा कर दिए मध्य प्रदेश को। ये जो शिवराज सरकार है ये दोगली है, बहुत खतरनाक है और घातक है। चरण पादुका योजना, ये योजना बरगरा ले और कुछ नहीं कर रहे। 450 रुपये का सिलेंडर बहना को दे रहे, हमको नहीं दे रहे। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से इस बार कौन मारेगा बाजी? इस बार छिंदवाड़ा विधान सीट से जो है हमारे यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में अभी तक हमने देखे कि बहुत बार अधिकांश हमने हमारी उम्र में जो देखे वो कमलनाथ जी का चेहरा देखे हैं और शायद 9 बार कमलनाथ जी सांसद बन चुके हैं हमारे यहाँ से और आने वाले समय भी हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी बने, क्योंकि ये शिवराज जी की जो सरकार है 18 सालों से, ये शिवराज जी की सरकार ने काम तो कुछ नहीं करी है, बदनाम बहुत ज़्यादा कर दिए मध्य प्रदेश को। बहनों को ही पैसा बांटती, बहनों को ही पैसा बांटती, भाई को ना। योजना जो निकाली इनने अच्छी निकाली थी, मेरा कहने का मतलब अच्छी निकाली इनने, मगर इसमें इन्होंने क्या करे हैं कि निकालने के साथ में अब जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या, अब आचार संहिता लग गई तो इसमें क्या करे इन्होंने कि अब पैसा नहीं मिलना है। अब इन्होंने 18 साल से लाडली बहना योजना को देखे नहीं है, अब अचानक 1 महीने के अंदर में देख लिया इनने लाडली बहना योजना, फलानी योजना, डैम की योजना, इन्हें इतनी सारी योजना निकाल दी मध्य प्रदेश में, इतनी सारी चरण पादुका योजना, ये योजना भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। अब इतनी सारी योजना मध्य प्रदेश में निकाल दी कि आज की डेट में मध्य प्रदेश में इनने RBI से इतना कर्ज ले चुके हैं कि 40,000 रुपये पर व्यक्ति के ऊपर, 40,000 रुपये पर व्यक्ति के ऊपर, मध्य प्रदेश के पर व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो गया है। ये जो शिवराज सरकार है ये दोगली है, बहुत खतरनाक है और घातक है। तो मेरी सभी लोगों से यही अपील रहेंगी कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर से कि कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस की सरकार बनाए, कमलनाथ जी को सहयोग दें। सहयोग और यहाँ से कौन जीत रहा है? अभी तो कमलनाथ जी जीत रहे, सीधी सी बात है। 40-45 साल से है कमलनाथ, कुछ काम हुआ है? सब कुछ हुआ, बहुत से छिंदवाड़ा के जो चेहरा दिखा हुआ कमलनाथ जी के खातिर दिखा, ये काम जो हुआ कमलनाथ जी नहीं करे, बाकी कुछ नहीं। रोड लाया, मेडिकल कॉलेज लाया, रेलवे लाया, ये सभी चीज कमलनाथ जी ने करे, कमलनाथ जी के अलावा किसी ने नहीं करे। यहाँ पर ये सब दिखावे की दुनिया है कि जिस शिवराज ने जे करे, फलाने ने जे करे, कुछ नहीं करा किसी ने, ये कमलनाथ जी ने करे सब कुछ। बहना करते, भाई करते च नहीं है। कमलनाथ जी यहाँ नहीं रहते तो आज शहर का विकास ही नहीं होता, यहाँ आज भी बैलगाड़ी चलती रहती, आज यहाँ भी रोड नहीं बनती, ये सब कमलनाथ जी की देन है। और मैं चाहूंगा कि इस बार फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आए और हमारे युवा पीढ़ी को और रोजगार मिलते रहे, अभी तक तो बेरोजगार है ये पूरी युवा पीढ़ी। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शिवराज सरकार ने काम धाम नहीं किया, कोई काम नहीं किए, फालतू बहना के योजना किए हैं बस, और कुछ नहीं किए इससे ज्यादा। बस उनको चरण पादुका योजना, ये योजना बरगरा ले और कुछ नहीं कर रहे। 450 रुपये का सिलेंडर बहना को दे रहे, हमको नहीं दे रहे, क्या कर लेंगे ऐसा। चलिए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कमलनाथ सरकार। शिवराज ने कुछ नहीं किया और मोदी ने भी कुछ नहीं किया। मोदी ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अफवाह फैला है। अफवाह, मणिपुर में गया कभी वो? मणिपुर में राहुल गांधी गए थे, मोदी जी नहीं गए थे। आपके मंडी में गए तो भाई बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि हमको लाडली बहना योजना मिल रहा है। लालच दे रहा कि महिलाओं से मैं जीत जाऊँ, लालच दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, लालची है, घोषणा करता है, एक दिन में करोड़ों घोषणा करता है, कुछ नहीं करेगा। मोदी कुछ नहीं करेगा, शिवराज भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, आपके सिंधिया जी तो पलटी मार गए। हमारे जो सिंधिया जी थे इनने इतनी गंदी पलटी मारे हैं, इतने रुपए खा गए इनने और कमलनाथ जी को इतना करके गए हैं खराब इनने। 15 महीने की सरकार रही हमारे कमलनाथ जी ने, 1 यूनिट 100 यूनिट बिल माफ, किसान बिल माफ, इनने हर चीज करे कमलनाथ जी ने। ये ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो बर्बाद करे हैं, इनका परिणाम इनको खुद मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने इनको कहा है बाजू में रखे हैं, इनको कुछ नहीं करें। आज ये यहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी इनको कोई सपोर्ट नहीं है। आने वाले समय में ये खुद वहाँ से हार के निकलेंगे। हमारे यहाँ से टोटल तो कमलनाथ जी आ रहे हैं। सातों विधानसभा सीट पे कांग्रेस जी, अभी भी सातों विधानसभा एक साथ है। पहले भी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, सातों विधानसभा एक साथ आई थी कांग्रेस की,
अमित शाह जी आए, उसके बाद भी देखना सातों विधानसभा एक साथ आएंगी, फिर राजनाथ सिंह को भी लाना रक्षा मंत्री को, तो सातों विधानसभा एक साथ आएंगी कांग्रेस की। महिलाएं तो जो है कर रही है कि बीजेपी हमको पैसा दे रही है। नहीं तो महिलाओं को क्या पता है, पुरुषों को पता है कि पुरुष लोग क्या करते हैं, महिलाओं को कुछ नहीं पता है। हाँ, महिलाओं को कुछ नहीं पता है, महिलाओं को थोड़ी समझता है, चौकी बेलना उनको पता है, घर चलाना जो पतियों के हाथ में है, महिलाओं को नहीं समझता है। अगर वो वोट दे देंगी जाके फिर? अब तो वो डिसीजन बताएंगा कि डिसीजन में क्या होता है, हम तो बता रहे हैं कि जय जय कमलनाथ, यहाँ के कमलनाथ जो शंकर भोलेनाथ हैं, हम बता रहे हैं आपको, जय हिंद जय भारत।